जिन लोगों ने नॉन प्रोफेशनल लोगों से डेटा एनालिसिस का कोर्स सीखा है ना, या डेटा साइंस का कोर्स सीखा है, या डेटा एनालिस्ट बन के अपनी प्रोफाइल में लिख दिया है हैशटैग लगा के प्राउड टू बी अ डेटा एनालिस्ट, ओ भाई जो डेटा आप जिसपे काम कर रहे हैं वो डेटा बहुत ही शॉर्ट डायमेंशन का डेटा है, और बिजनेस का डेटा या बिजनेस इंटेलिजेंस का डेटा मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। मल्टी डायमेंशन क्या होती है, किस तरीके से मैटर करती है, और डायमेंशंस को डेटा साइंस के अंदर हम किस तरीके से डील करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है, यहां पे आपके सामने एक डेटा की टाइप लिखी हुई है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल डेटा। ऐसा डेटा जो मल्टी डायमेंशन में जा रहा हो। डायमेंशन क्या होती है, एक तो आपके पास डेटा के अंदर रोज होती है जिनको हम रोज बोलते हैं। रोज और कॉलम्स क्या होते हैं डेटा के अंदर, उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। जब आप एक एक्सेल की शीट देखें या डेटा अपना कलेक्ट करके कहीं पे स्टोर करते हैं, तो आपका डेटा जो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, इसको डेटा की रो बोला जाता है। ठीक है, ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है इसे डेटा की रो बोला जा रहा है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसे डेटा के कॉलम्स बोला जाता है। ये डेटा के कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स ये मिलके डेटा की डायमेंशन बनाती हैं। अब जो बीच में डेटा पॉइंट्स होते हैं ये वाले, इनको डेटा के सेल्स बोला जाता है, सेल्स या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये देखें एक पॉइंट पे जो आप ऑब्जर्व करते हैं इनको हम डेटा के सेल्स बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, और इस सेल के अंदर एक वैल्यू होती है। अब इस ये वैल्यूज जितनी वैल्यूज होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा, डायमेंशनैलिटी। यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उतना ज्यादा आपका डेटा मल्टी डायमेंशनल होगा। अब एक तरीका और होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा को देखने का, अगर आपके डेटा के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हो तो आपका डेटा फिर भी मल्टी डायमेंशनल होता है। इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूं, अगर आपके पास 10 कॉलम है एक डेटा में और दूसरी साइड पे 100 कॉलम्स हैं, और आपके पास अगर आप गौर करें तो ये 10 टाइम्स छोटा डेटा है एज कंपेयर टू दिस वन। और बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास डेटा सेट के अंदर तकरीबन 1000 कॉलम्स भी जा सकते हैं, लेस देन 1000 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन दैट भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, एंड डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में काम कर रहे हैं। सो डेटा विद मल्टीपल डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस। डायमेंशन क्या है, कॉलम। अब मैं कॉलम को डायमेंशन क्यों बोल रहा हूं अभी मैं आपको समझाता हूं। एक डेटा है मेरे पास, ये है जी नेम्स, यहां पर मैं कर लेता हूं एज, ठीक है, यहां पे मैं कलेक्ट करता हूं लोगों का वेट, यहां पे मैं कर लेता हूं उनकी हाइट। अब ये डेटा मुझे लोगों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, और ये चार डायमेंशन का डेटा है, यानी कि नेम भी बताएगा, एज भी बताएगा। अगर कॉलम ऐसे ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही जा रहा है तो ये वन डायमेंशनल डेटा है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है। और अगर हमारे पास दो कॉलम्स हो गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली टू डायमेंशनल है। कैसे, क्योंकि अब रोज भी आ गई है इसमें, ऊपर से नीचे तो जा ही रहा है, नीचे साइड से दूसरी साइड पे भी जा रहा है, तो ये टू डायमेंशनल होगी। अब ये जब टू डायमेंशनल का डेटा है, इट डजंट मीन कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स, अगर मेरे पास तीन आ जाते हैं कॉलम, दिस इज स्टिल टू डायमेंशनल डेटा। चेक करें, मेरे पास रोज एंड कॉलम्स दो डायमेंशन में मैं जा सकता हूं। मल्टी डायमेंशन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जब हमारे पास मल्टीपल हो जाए, दो के बजाय मल्टीपल कॉलम्स आ जाए, तो जितना मल्टी डायमेंशनल डेटा होगा उतना आपका डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, एक्यूरेट होगी, एंड उतनी ही आपकी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग रिलायबल होगी। और हर कंपनी का गोल होता है रिलायबल इन्वेस्टमेंट करना। ये नहीं है कि आप चार कॉलम की बेस पे कोई एनालिसिस करके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बता दे, वो कंपनी अच्छे खासे पैसे लगा दे और फिर बाद में आपको कोसे, क्योंकि आपने सिर्फ तीन या चार रोज की कॉलम्स की बेस पे डेटा को लिया है। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हम लेके फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड दीज आर ऑफन सीन इन कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा, बिजनेसेस का जो डेटा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट को नोट करते हैं ताकि उनमें कहीं गलती के चांसेस ना बचे।
एंड दिस अलाउ फॉर डीप डेटा एनालिसिस आइडियल फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन. अगर आप पावर बीआई की बात करें तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल डायमेंशन का डेटा होता है. रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आप बिजनेस को वहां पे देख रहे होते हैं. पावर बीआई के अंदर आप बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. एंड देन दिस डेटा इज कम्प्लेक्स टू एनालाइज. ऑब्वियसली अगर आपको दो रोज का डेटा नहीं समझ आ रहा, दो कॉलम्स का डेटा नहीं समझ आ रहा, तो 100 कॉलम्स का कैसा आएगा. ठीक है, फिर दिस रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड एक्सपर्टिस. अगर आप एक्सपर्ट हैं, ओनली देन यू कैन एनालाइज दिस मल्टी डायमेंशनल डेटा. अदरवाइज यू शुड नॉट इवन टच दिस काइंड ऑफ डेटा. रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप इस डेटा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपको हाउ नो नहीं है, आप इस डेटा को खराब कर सकते हैं. ऑब्वियसली बैकअप कर लें, अपने टाइम को बचाएं और मल्टी डायमेंशनल डेटा से खेलना सीखें. ये था जी मल्टी डायमेंशनल डेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस सोल्यूशन. अगर आपको भी लगता है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा पे आपने काम किया है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और मैं एक और बात बता दूं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आपको एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि डेटा से हैंडल कैसे करना है, एज कंपेयर टू दोस पीपल जो नॉन प्रोफेशनल है, वो हमेशा छोटे डेटा सेट पे आपको काम करवाते हैं ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बाकी आप खुद करें. तो ये डेटा एनालिसिस का जो बूट कैंप है हमारा, डेटा एनालिसिस का समर बूट कैंप 2024, इसके अंदर हम इंशाल्लाह मल्टी डायमेंशन डेटा को भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों के अंदर. अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.